तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज बना रही हूँ मैं गरम मसाला। तो गरम मसाले के लिए मैंने लिए हैं, ये देखने ये लकड़ियाँ हैं, तकरीबन 5-6 लकड़ियाँ हैं ये, और इनका साइज़ भी देख लिया आप। और ये है 5 बड़ी इलायचियाँ, और ये हैं लौंगे, तकरीबन 15 लौंगे हैं ये, और ये काली मिर्चें हैं 2 चम्मच भर के लिए मैंने, और 2 बादियान फूल हैं, और ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है तकरीबन 5 चम्मच। तो अब मैं इन सबको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जब इसकी खुशबू सी आने लगेगी तो आपने इसको हटा लेना, चूल्हा बंद कर देना। इसकी जो है खुशबू आना शुरू हो गई है, तो इसको ठंडा करके जो है मैं इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसको मैं पीस लूँ। गरम मसाला जो है ये हमारे ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं ये 5 सब्जी इलायची, और अब मैं इन सबको ग्राइंड करूँगी। तो ये हमारा गरम मसाला बहुत ही अच्छा, इसकी इतनी खुशबू थी भूनते टाइम कि इसके खाने में भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये हर खाने में, दालों में, सब्जियों में, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। ये हमारा जो है गरम मसाला तैयार हो गया, ये देखें आप, खाती हूँ। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू है, ये देखें कितना बारीक पिसा है। तो ये आप दाल में, मतलब हर किस्म की दाल में आप डाल सकते हैं, बिरयानी, हर चीज़ में काम आता है गरम मसाला। तो ये हमारा होममेड गरम मसाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना।